अगर महाठग के रूप में कोई अगर हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जाना जाएगा तो ये वर्तमान सरकार और वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री जाने जाएंगे, क्योंकि 10 गारंटियां दे रखी हमने दूसरे प्रदेशों में जाकर के भाषण दे करके आना कि हमने एक एक गारंटी सारी की सारी पूरी कर दी, तो ये इससे ज्यादा झूठ कुछ नहीं हो सकता है। वर्तमान सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया, जहां से भी हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा होने की गुंजाइश निकल सकती थी। वो एक बहुत बड़ा सेक्टर था, वो हाइडल सेक्टर था। महिला आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि इसको पारित किया जाए, और उसके साथ हमारी एक कमिटमेंट थी कि एक महीने की सैलरी हम आपदा राहत कोष में देंगे। वो आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को 25 विधायकों की 13,80,000 रुपए जो है वो चेक के रूप में उनको दी है। प्रदेश में बरसात के कारण बहुत क्षति हुई है, और इस आपदा में विपक्ष ने बड़ा पहले से स्पष्ट किया है कि हम इस आपदा में साथ हैं। ये आपदा प्रदेश के लोगों के लिए है, और प्रदेश के लोगों के लिए जो भी हम मदद कर सकते हैं वो मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारे सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में यथासंभव जो मदद ऐसे प्रभावित परिवारों को कर सकते वो की, और उसके साथ हमारी एक कमिटमेंट थी कि एक महीने की सैलरी हम आपदा राहत कोष में देंगे। वो आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को 25 विधायकों की लगभग 13,80,000 रुपए जो है वो चेक के रूप में उनको दी है, और वो काम करें, अच्छी तरह से लोगों की सेवा हो, लोगों का लोगों की मदद हो, उस दृष्टि से इस भाव के साथ हमने काम किया। महिला आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि इसको पारित किया जाए, और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देता हूँ कि पिछले कल कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण के मुद्दे पर मोहर लगी और स्वीकृति मिली, और उसके पश्चात मुझे लगता कि संभवतः ये पहला बिल होगा नई लोकसभा के उस भवन में जो महिला आरक्षण का 33% आरक्षण के साथ पारित होगा। और स्वाभाविक रूप से पूरे देश भर में इस बात को लेकर के पहले से मांग चलती रही कि महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। कुल आबादी का 50% हिस्सा, और 50% हिस्सा में से 33% आरक्षण कम से कम महिलाओं के लिए होना चाहिए, ये बहुत बड़ी एक आवश्यकता महसूस हो रही थी, और उसको आज हम पूरा होते देख रहे हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, महिलाओं को भी बधाई देता हूँ, और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन अब देश के नेतृत्व के साथ साथ में प्रतिनिधित्व में आपको लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, और उसके साथ साथ में आपको विधानसभा के अंदर देखने को मिलेगा। सर, मुख्यमंत्री ने ऊर्जा नीति को लेकर कहा कि पूर्व सरकार ने हिमाचल के हित बेचे गए हैं, रॉयल्टी तक नहीं है। कि मैं उचित नहीं समझता हूँ आज इस सारी बात को लेकर के, मैं हाउस के अंदर ही जो बात कहनी है मैं अवसर तलाशूंगा, जहाँ बोलने का मौका मिलेगा तो वहाँ बोलूंगा। लेकिन ये हकीकत है कि वर्तमान सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया, जहां से भी हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा होने की गुंजाइश निकल सकती थी। वो एक बहुत बड़ा सेक्टर था, वो हाइडल सेक्टर था, और मैंने वर्षों से देखा कि हाइडल सेक्टर में हमारा सैचुरेशन ऐसी आ गई कि कोई भी आदमी हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट लगाने के लिए आ ही नहीं रहा, और इसलिए इन्वेस्टर्स मीट के अंतर्गत हमने जो प्रावधान जोड़े, उन प्रावधानों के अंतर्गत हमने यही चीज़ को प्राथमिकता दी कि हिमाचल का हित सर्वोपरि, और हिमाचल के हितों के साथ साथ में जो हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो सेक्टर का जो पोटेंशियल है जो बिल्कुल रुक गया है, उसके लिए जो रास्ता निकाला जा सकता है उसको निकालने की कोशिश की, और इस बात को लेकर के जो तथ्य विधानसभा के अंदर दिए गए हैं वो फैक्ट्स नहीं हैं,
हमने अगर प्रोजेक्ट दिए हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो PSUs हैं उनको दिए हैं, हमने किसी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को नहीं बेचा है, हमने किसी और को नहीं बेचा है, और वो गवर्नमेंट का ही हिस्सा हुआ करते हैं। इस बात को भी मुख्यमंत्री को समझना होगा। मुझे मालूम नहीं कितनी बात को ये इस बात को ध्यान में इनके है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहाँ इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए जो स्कोप निकल सकता था, निकालने की कोशिश हो सकती थी, उसमें हमने काम किया है। अगर आज हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क आया तो भाजपा की वजह से। पूरे देश में 3 मिले, 1 हिमाचल को मिला। मेडिकल डिवाइस पूरे देश में 3 मिले, 1 हिमाचल को मिला। तो इसलिए जो सत्य नहीं है और इस तरह के आरोप लगाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इन आरोपों का कोई आधार नहीं है, और इन आरोपों की कोई भी इसमें तथ्य नहीं है ना सच्चाई। इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। और पिछले 9 महीने से हिमाचल प्रदेश में सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, बदले की भावना के साथ, दुर्भावना के साथ, ये भाजपा ने किया इसको बंद करो, ये भाजपा ने किया इसको रद्द करो, और ये क्रम अभी तक भी रुका नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये भी तय किया है कि 25 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे, चाहे वो संस्थान बंद किए हैं, चाहे बदले की भावना से काम किए हैं, चाहे वो बेरोजगारों के साथ उनने वादा किया है, जिसको ये बोल रहे थे, शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कल मुख्यमंत्री जी, ठग शब्द इस्तेमाल किया। अगर महाठग के रूप में कोई अगर हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जाना जाएगा तो ये वर्तमान सरकार और वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री जाने जाएंगे, क्योंकि 10 गारंटियां दे रखी उन्हें, ठग ठग करके गारंटी दे रखी, झूठ बोल करके गारंटी दे रखी। आज लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ आपके बिजली का 300 यूनिट का, क्या हुआ गोबर की गारंटी का, क्या हुआ आपको 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी का, क्या हुआ आपके दूध की गारंटी का, हर एक बात का प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई प्रश्न का जवाब नहीं है। 10 महीने बीतने के बावजूद भी एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। दूसरे प्रदेशों में जाकर के भाषण दे करके आना कि हमने एक एक गारंटी सारी की सारी पूरी कर दी, तो ये इससे ज़्यादा झूठ कुछ नहीं हो सकता है। झूठ बोलने की एक सीमा होती है, अब सीमाएं सारी पार हो गई। थैंक यू।